हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सारे प्रश्न का हल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न का हल देखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके उस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर है, उसको आपको चूज करना है विद रीजन के साथ। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को एक बार पहले लिख लेते हैं ना। 2 10 30 डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना, इसको हल करते हैं। जब हल करोगे तो आपको टेबल याद होना जरूरी है। 8.2 के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको टेबल याद होना होगा, और टेबल कहता है 2 10 30 के वैल्यू है आपका 1/√3। तो हम लोग 1/√3 लिख दिए। डिवाइडेड आपका क्या है प्रश्न में, 1, तो हम लोग 1 के जगह एज इट इज 1 लिखते हैं, प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 के वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 पहले लिखो, और स्क्वायर है तो आप क्या करो, इसका जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। आगे हम लोग इसको सोल्यूशन अगर करते हैं तो देखो, 2 गुना 1 2 हो जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड ये √3, बड़ा बट्टा के नीचे देखो आप 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे ऊपर में जो है 2/√3 एज इट इज जो है उसको हम लोग लिख देंगे, और नीचे बड़ा बट्टा के नीचे जो संख्या है इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, उसका मतलब है 1। आप क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, तो 3 हुआ। और 1 से 3 को आप भाग दीजिए, जो भागफल होता है इससे गुना किया जाता है। तो देखो, 1 से अगर 3 को भाग देते हो बच्चों तो कितना होता है, 3, और 3 से इसको गुना करना है, यानी आपका 3 हुआ। प्लस 3 से इसको भाग देंगे तो 1 और 1 एकम 1, तो 1 हो जाएगा। देखो अब हमारे पास बचा क्या, 2 ये √3, ठीक है। और ये बड़ा बट्टा को, जब भी कोई संख्या नीचे रहेगा बड़ा बट्टा के नीचे, बट्टा के बट्टा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस बड़े बट्टा को हटा देंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना लिखेंगे, है ना, क्योंकि बट्टा का काम होता भागा, ठीक है। तो भागा के को जब हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाले जो बट्टे वाले संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा, उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या, देखो 3 प्लस 1 4 4/3, तो ऊपर जाएगा, चले जाएगा आपका 3, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। आप देखो, हम लोग इसको सिंपल काट लेते हैं, 2 से काट लेते हो 4 को, तो आपका क्या हो जाए, 2, आपका ऊपर में बचता 3 और नीचे महत्व आपका 2√3। और आपको मैंने बताया है, या आप जान लो कि कभी भी बट्टा के नीचे रूट वाले संख्या को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसको रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा नीचे में √3 है, ऊपर में भी √3 से गुना, और नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे। देखो अब 3 गुना √3 हो जाएगा, तो आपका 3√3 हो जाएगा, डिवाइडेड 2√3 गुना √3। तो देखो √3 गुना √3 हो जाता है आपका 3, तो 3 दुना 6, तो आपका नीचे बचेगा 6, और 3 से अगर काटते हो 6 को तो 3 दुना 6, आपके पास बचता है √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 होता है आपका sin 60 का वैल्यू, √3/2, ठीक है। और ये किसका होता है, cos 30 का भी होता है, ठीक है, √3/2। बट हमारा यहाँ देखो cos 30 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, sin 60 है, इसीलिए मैंने sin 60 लिखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, sin 60। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 का ही। 1 - 10² 45 डिवाइडेड 1 + 10² 45 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं ना। 1 10² 45 डिवाइडेड 1 + 10² 45। ओके बच्चों, देखो अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1 10 45 के वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। नीचे में देखो ये 1 है, प्लस 10² 45, एंड 10 45 के वैल्यू 1 होता है और स्क्वायर में है, इसलिए उसका वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। हम लोग यहाँ क्या पाते हैं, ऊपर में 1 माइनस
वन का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर होगा तो एक, तो एक माइनस एक क्या हो जाएगा आपका जीरो, डिवाइडेड वन प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो वन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो डिवाइडेड वन प्लस वन टू। और दुनिया का कोई भी संख्या से अगर जीरो को भाग दे तो कितना भी बड़े संख्या से, तो हमेशा भागफल क्या होगा जीरो। तो हमारे यहाँ क्या निकल कर आएगा जीरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी जीरो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा जीरो। तो हमारा राइट टू टू साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। हम लोग को यहाँ ए का इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग पुट करेंगे जो ऑप्शन है, जो वैल्यू है, इसको करके देखेंगे। अगर आप इसको सोल्यूशन करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, और मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू अगर समझाता हूँ तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, हम लोग सबसे पहला छोटा डिग्री क्या होता है, छोटा कोण क्या होता है, जीरो डिग्री। तो हम लोग ए के बदले क्या करेंगे, जीरो डिग्री पुट करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन के ऊपर लिखते हैं साइन साइन टू ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। ये प्रश्न आपका दिया हुआ, हम लोग क्या करेंगे a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे। चलो पुट करके देखते हैं, तो साइन 2 और a है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिए, इक्वल टू 2 साइन a के बदले हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। देखो 2 से अगर 0 को गुना करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी आपको लेफ्ट साइड में क्या हुआ 0 डिग्री, ठीक है। 2 गुना साइन 0 डिग्री, ठीक है, ये तो आपको पता है। और आपको टेबल भी याद है कि साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है 0, तो लेफ्ट साइड में 0 हुआ बराबर 2 गुना 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2 गुना 0 करते हो तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा a इक्वल टू 0 डिग्री जब रख रहे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, a इक्वल टू आपका 0 डिग्री होगा। आप चेक करके देख सकते हो कि ए का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। चलो हम लोग 30 डिग्री करके देखते हैं। अगर हम 30 डिग्री करते हैं साइन 2a, ठीक है, साइन 2a और ये 2 साइन a, 2 साइन a, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग पुट कर रहे हैं ए का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 2 गुना 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 गुना साइन 30 डिग्री, ठीक है। और आप टेबल से जानते हो कि यहाँ पे अगर देखो 2 गुना 30 करोगे तो 60, और यहाँ पे क्या पहले हम लोग लिख ही लेते हैं साइन 60 और ये 2 गुना साइन 30। और आपको टेबल याद होगा साइन 60 के वैल्यू क्या होता है रूट 3/2, तो लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू मिल गया रूट 3/2, और राइट साइड में 2 एज इट इज हम लोग उतार लेते हैं, और साइन 30 के वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2, देखो 2 कैंसिल, हमारा लेफ्ट साइड में रूट 3/2 इक्वल टू 1, जो कि ऐसा हो सकता है रूट 3/2 लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल है तो नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार 45 भी डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री भी नहीं होगा, एक ही वैल्यू है हमारा 0 डिग्री। और इसको आप कैसे करोगे कि हम 0 डिग्री पहले पुट करेंगे, नहीं तो आप क्या देखेंगे ऐसा करके, नहीं, आपको ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करते हो तो क्या 0 होता, तो हमेशा ऐसे जब भी प्रश्न रहेगा तो 0 डिग्री आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन का क्या वैल्यू होगा। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2 10 30 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2 है एज इट इज, प्रश्न में 2 लिख लिया, 10 30, और 10 30 आप टेबल से जानते हो क्या, 10 30 की वैल्यू 1/√3 है ना, 1/√3। नीचे हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है तो 1 एज इट इज लिख लिए, माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 के वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे, और स्क्वायर है प्रश्न में तो यहाँ इसका जो वैल्यू होगा उसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखो ऊपर में क्या 2 गुना 1, तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड ये √3, ठीक है। आपको बड़ा बट्टा के नीचे में क्या होगा 1 माइनस 1 का जब स्क्वायर करते हो तो 1 हो जाता है, और यहाँ पर √3 के स्क्वायर करते हो तो आपका क्या हो जाता है 3। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट एक स्टेप में 2/√3 एज इट इज लिख लेंगे, बड़ा बट्टा के नीचे वाले जो भिन्न है इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखो 3 यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, तो हम लोग 3 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और 1 से इसको भाग देंगे 3 को, तो हमारा भागफल 3 होगा, 3 एकम 3 माइनस
तीन से इसको फिर भाग देते हैं, भागफल एक और एक गुना एक, तो हमारा बचा क्या ऊपर में देखो यहाँ 2/√3 है ना, 2/√3, और जब बड़ा बट्टा को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, ठीक है। तो 3 ऊपर में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर में संख्या 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिखेंगे 2, ठीक है। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 3/√3। तो कभी भी हम लोग बट्टा के नीचे √3 यानी रूट वाले संख्या को नहीं रखते, तो यहाँ पे √3 है तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने का तरीका क्या है जो भी संख्या रूट में है उसको ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 गुना क्या हो जाएगा √3, तो आपका 3√3 हो गया, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या ओनली √3 बचा। तो √3 किसका वैल्यू होता है, ये 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 60 का वैल्यू √3, तो ये बराबर होगा 10 60 डिग्री।